to the world of limitless possibilities. क्या आप भी एक ऐसा घर चाहते हैं जो शहर के नजदीक भी हो और नेचर की गोद में भी? तो चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ पृथ्वी कोर्टयार्ड, जो आपके इस सपने को पूरा करेगा। Let's unveil our latest masterpiece. एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मॉडर्न लिविंग की इस दुनिया में आपको क्लोज टू नेचर का फील देती है, एंड दैट टू विद ऑल द लग्जरीज एंड एमिनिटीज। इमेजिन करें कि आप एक ऐसे ब्रिलियंट आर्किटेक्चर में एंट्री ले रहे हैं जहां पर हर छोटी सी छोटी चीज बड़ी बारीकी से डिजाइन की गई हो, और वहां रहने पर आपको मिले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। सपना लगता है ना, पर ये सपना अब सच हो सकता है। साहिब डेवलपर्स लाए हैं अपना लेटेस्ट डेवलपमेंट प्लान। वी प्राउडली प्रेजेंट पृथ्वी कोर्टयार्ड। होशंगाबाद 10 लेन रोड की प्रीमियम लोकेशन समर्धा में मेन रोड से सटा हुआ 25 एकड़ से भी ज्यादा में फैला ये बेहतरीन प्रोजेक्ट अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। पृथ्वी कोर्टयार्ड भोपाल की एक ऐसी प्राइम लोकेशन में डेवलप्ड सोसाइटी है जहां से C21 मॉल, आशिमा मॉल, मैपल हाई स्ट्रीट मॉल और बेस्ट प्राइस जैसी लोकेलिटीज सिर्फ 13 मिनट्स की ड्राइव पर है। इसी के साथ नोबल और सागर जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स 10 से 12 मिनट की दूरी पर हैं। और अगर बात करें स्कूल और कॉलेजेस की, तो आईपर, आईपीएस, ज्ञानगंगा एकेडमी, स्कोप कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट यहां से सिर्फ 5 से 10 मिनट की ड्राइविंग पर है। सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स इस सोसाइटी से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। एमपी नगर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर है। पृथ्वी कोर्टयार्ड आपको इनोवेशन और लग्जरी का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। आप जैसे ही इस प्रॉपर्टी के ग्रैंड एंट्रेंस पर अप्रोच करते हैं, आपको मिलता है कॉन्क्रीट स्मूथ रोड विथ लश ग्रीन कैंपस। पृथ्वी कोर्टयार्ड में आपके बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग जोन, फैमिली मेंबर्स के लिए क्लब हाउस, और साथ ही में इस कैंपस में एक खूबसूरत सा मंदिर भी है। और ये सारी चीजें हैं 24/7 सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विलेंस में। कोर्टयार्ड में 2 विंग्स हैं, एक है वसुधा और एक है धारा। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। लगभग 1150 स्क्वायर फीट की इस प्रॉपर्टी में आपको मिलता है 3 BHK डुप्लेक्स के साथ स्पेशियस लॉन, कार पार्किंग और मल्टी यूटिलिटी स्पेस। बात करते हैं घर के डिटेल्स की, तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेगा ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, बेडरूम एंड किचन। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग रूम की, तो यहां आपको इतना स्पेस मिलता है कि आप 9-सीटर सोफास विद बिग टीवी यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया इतना ओपन और स्पेशियस है कि आप अपनी पसंद के 8-सीटर डाइनिंग टेबल विद क्रॉकरी यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया के साथ आपको मिलता है एक स्पेशियस बेडरूम, ऑल्सो द मॉड्यूलर किचन। चलिए अब इस डुप्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करते ही आपको मिलता है मल्टी यूटिलिटी स्पेस, 2 बड़े बेडरूम्स, बालकनीज एंड अटैच बाथरूम।
बात करें अगर बाथरूम की तो ऑल द थ्री वॉशरूम कम्स विद एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल फिटिंग्स विद दिस स्पेशियस लुक। हम सब लग्जरी के साथ साथ एक सस्टेनेबल लिविंग भी चाहते हैं, इसीलिए पृथ्वी कोर्टयार्ड को वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसाइकलिंग जैसे आइडियाज को दिमाग में रखकर डिजाइन किया गया है। चलिए बात करते हैं पृथ्वी कोर्टयार्ड में रहने वाले एक परिवार से। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक जब आपने प्रॉपर्टी विजिट की थी तब से लेके पोजीशन तक कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई वुड से आई एम लविंग इट। आई नेवर फेस्ड एनी इशू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई कांटेक्टेड व्हेन आई कनेक्टेड विद आशीष जी एंड हिज टीम, एवरीथिंग इज स्मूथ। हम लोग तो आउट ऑफ स्टेशन सिंगरौली से हम यहाँ सिंगरौली से विजिट करते थे, फिर भी हम ऐसा लगा नहीं कि हम दूसरे शहर से हैं तो परेशान हो रहे हैं, बार बार आ रहे जा रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। जब आए तो जो हमारे बिल्डर्स हैं आशीष, बहुत कॉपरेटिव है, वो बहुत अच्छा है। मतलब पूरा फैमिली एटलीस्ट जो है ना, सब कुछ ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी फैमिली हेल्प करती है, सब कुछ होती है। अगर कोई प्रॉब्लम कॉलोनी में कुछ भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, और सबसे बड़ी बात है कोई प्रॉब्लम्स वैसे आती नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है हम लोग यहाँ पे। 2015 की बात है तो एकदम ऐसे ही मैंने बोर्ड लगा देखा साहिब डेवलपर्स का, तो मैंने कहा जाकर लेना चाहिए। इसमें थोड़ा सा लोकेशन जो बोर्ड पर देखी थी और जो बोर्ड पर देखी थी उससे कहीं ज़्यादा अंदर पाया अपन ने। सर भोपाल में हर जगह ही बहुत सारी प्रॉपर्टी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एनी पर्टिकुलर रीजन टू चूज पृथ्वी कोर्टयार्ड? आई वुड से क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। आई वुड एम्फसाइज द वर्ड क्वालिटी बिकॉज द मटेरियल दे यूज्ड, द एफर्ट्स दे आर पुटिंग इज कमांडेबल। सो देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी नाइस। इसका डिजाइन, घर का डिजाइन पूरा स्पेशियस। फिर एक घर जो हमारा, आप अभी अगर देखोगे तो ये ऐसे नहीं है सारे घर, पर जब हमने हमारे बिल्डर से बात किया तो उन्होंने हमको जो मैं चाहती थी बकायदा उसको तोड़वा के और उन्होंने मेरी पसंद का बनवा के दिया। हमारे आगे 12 नंबर में राठौर जी रहते हैं, तो जब मेरा 2019 में ये कंप्लीट हुआ था तो वो आए थे, तो मैंने उनसे बोला था कि ये प्रॉपर्टी 2024 में 1 करोड़ रुपए की होगी, और आज स्थिति लगभग वही है। अभी हम 23 में हैं और 25 में ये 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ये मतलब जस्ट डबल से भी हम क्रॉस कर गए। तो राठौर जी ने शायद 3 मकान लिए थे यही देख के कि 1 करोड़ की होगी, तो उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ में 3 प्रॉपर्टी ली, अब वो 3 करोड़ की होगी। तो इसका मतलब है जितनी जल्दी लोग आकर ये प्रॉपर्टी ले ले उतना अच्छा है। अच्छा है, हाईवे से लगी हुई है और सारी कनेक्टिविटी है, यहाँ से 15 मिनट में रानी कमलापति स्टेशन पहुँच रहे हैं अपन। सबसे पहले घर लेने के टाइम पर अपन को सेफ्टी कनेक्टिविटी जो हो सकता है। अगर मैं आपकी एक फेवरेट की पॉइंट पूछूं कि आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड से लश ग्रीन गार्डन एंड द लोकेशन इज आल्सो द बेस्ट पार्ट। और एक तरह से पूरे भोपाल में हम लोग देखते हैं कि आपस में लोग पड़ोस में नहीं जानते, परंतु यहाँ पे ये है टच कम से कम कि कभी भी कुछ बात है। इवन हम लोग और फेस्टिवल्स वगैरह है, गणेश उत्सव है, इवन हम लोग का मंदिर बन गया है, डेली शाम को हम लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो तो बहुत पॉजिटिव है। और सर अगर सिक्योरिटी की, पार्किंग फैसिलिटीज की, इन सब की बात करें तो उनको लेकर कोई शिकायत? तो अनलिमिटेड है, अगर आपके यहाँ 10 लोग भी आ जाए तो जो हमारा एंट्रेंस रोड है लाइन से आप 10-20 गाड़ियाँ पार कर सकते हो, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरह से हम लोग को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। एक तरह से मतलब हम दोनों बहुत टाइम बाहर होते हैं, अब बच्चे बाहर हैं तो सेफ्टी हमको कभी ऐसा लगता नहीं है, हम घर खाली छोड़ के आए हैं तो रिस्क है कुछ, इसलिए सेफ है। बाउंड्री पूरा चारों साइड से सेफ है, सिक्योर है, सीसीटीवी कवर्ड है। मैं जब आई थी तो मैंने मेरे बिल्डर को बोला कि मुझे सीसीटीवी की इंटर फिटिंग चाहिए, तो बोलते क्या करोगे मैडम, सारा टाइम तो पूरा टाइम तो आप सर्वेलेंस में पूरा, तो सब कुछ बहुत अच्छा। दे ऑल आर मेंटेनिंग बाय देम विद देमसेल्फ, बट दे आर रियली प्रोफेशनल्स। व्हेन यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी और पार्किंग और इवन द सर्विसेज, इट इज फैंटास्टिक। चलिए ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की, अगर हम घर की डिटेल्स पर बात करें तो ओवरऑल आपका जो घर है, जिसको ऑफ कोर्स आपने मकान के रूप में खरीदा बट ब्यूटीफुली डेकोर करके घर बनाया, काफ़ी डिटेल में काम हुआ है इस घर पर, ओवरऑल आपने जब इस घर में शिफ्ट किया था तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा? आई वुड से रियली नाइस, लाइक अकॉर्डिंग टू वास्तु आई वाज सर्चिंग फॉर एन ईस्ट फेसिंग होम एंड आई लकीली गॉट एन ईस्ट फेसिंग होम विद रिस्पेक्ट टू किचन, स्टेयरकेस, balcony, or you talk about bedroom,
एवरीथिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स द वास्तु। इसके अलावा जब आप शिफ्ट हुए थे तो आपके घर का इंटीरियर इंस्टॉलेशन इन सब में किसी तरह की प्रॉब्लम? पूरा सहयोग रहा है बिल्डर का, हमारे आशीष जी का हमेशा सहयोग रहा है। बस बोलने भर की देर होती है, मेरे से ही नहीं है, कोई भी अगर बोल दे कि ये प्रॉब्लम है तो तत्काल खड़े रहते हैं। अभी तक तो बिल्कुल नहीं, देयर सर्विस इज ऑल्सो वेरी गुड। मिस्टर आशीष जी हैज़ अ रियली नाइस टीम, सो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, सो वेन एवर वी डिमांड और वी रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग दे आर ऑल अवेलेबल। इसके अलावा अगर मैं हमारे बिल्डर्स की डेवलपर्स की बात करूँ तो क्योंकि आप दूसरे शहर से आए थे तो एक ट्रस्ट इशू आता है ना कि नए शहर में कैसे कनेक्ट करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। हमने एक फॉर्मल विजिट किया और मतलब मेरे को तो बहुत जल्दी पसंद नहीं आता है, मैं थोड़ी सी चूजी हूँ तो मुझे मेरा बगीचा वगीचे के लिए जगह चाहिए थोड़ी सी। फिर मेरे बच्चे उस टाइम पढ़ रहे थे तो मुझे कनेक्टिविटी प्रॉपर चाहिए थी, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि हाईवे पे है, आप रात के 12 बजे आओ, रात के 2 बजे भी बच्चे अगर आते हैं तो कनेक्टिविटी है, बस सिक्योरिटी पॉइंट अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि एश्योरेंस होता है जो खास करके हम लोग के जो बिल्डर्स वगैरह हैं उनका एश्योरेंस वो पूरा है, हम लोग को लगता है कि कभी कोई बात होगी कुछ होगी तो भाई हाँ ये। सबसे अच्छी बात है कि भोपाल ज़िले की पहली कॉलोनी है जिसमें 4 घंटे पानी चलता है, गर्मियों में भी 3 घंटा सबेरे और 1 घंटे शाम को। आज तक पानी की कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सफाई भी मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्र में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं होगी जिसमें इतनी अच्छी सफाई हो। थैंक यू सो मच सर। नाउ लेट्स हियर इट फ्रॉम द सीईओ ऑफ साहिब डेवलपर्स मिस्टर आशीष खेमानी। नमस्ते, जैसा कि आपने इस वीडियो के विजुअल्स में देखा है कि हमने हमारा प्रोजेक्ट पृथ्वी कोर्टयार्ड जो कि होशंगाबाद मेन रोड 10 लेन रोड से सटा हुआ है, 25 एकड़ में लगभग ये कैंपस फैला हुआ है जिसको कि हमने फेजेस में डेवलप किया और अभी फेज़ 1 डेवलप किया है। ये जर्नी हमने 2016 में चालू करी थी एक विजन के साथ कि हमें 103 प्रीमियम डुप्लेक्सेस बनाने हैं। जर्नी टफ थी बट हमारा विजन क्लियर था कि हमें प्रीमियम क्वालिटी डुप्लेक्सेस बनाने हैं एक सस्टेनेबल और एक लग्जेरियस लिविंग के लिए। ये प्रोजेक्ट 103 प्रीमियम डुप्लेक्सेस का है, इसमें हमने हर वो चीज़ का ख्याल किया है जो कि एक परिवार अपनी लिविंग के लिए देखता है। हमने इस प्रोजेक्ट में हर वर्ग का ख्याल करने की कोशिश करी है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, एक महिला हो, एक पुरुष हो, चाहे घर का कोई वृद्ध हो। हमने अपने प्रोजेक्ट में टेंपल, क्लब हाउस, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़, महिलाओं की किटी पार्टीज़ के लिए एक सेक्शन जहाँ पे वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, इस हर चीज़ को बारीकी से ख्याल में रख के बनाए हैं। प्रोजेक्ट पूरा गेटेड कम्युनिटी है, CCTV सर्वेलेंस का ध्यान दिया है ताकि आप जब यहाँ रहें तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें हमारे साथ। प्रोजेक्ट 10 लेन रोड होशंगाबाद रोड पे होने के कारण एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रखता है। ईज़ ऑफ लिविंग के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स सब नियर बाय प्रॉक्सिमिटी में हैं, तो जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर डेफिनेट रिटर्न्स आपको भविष्य में मिलते हैं। आज हमारे साथ मोर देन 100 फैमिलीज एसोसिएट हो चुकी हैं, आज उनके प्यार और भरोसे के कारण हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम बहुत ही जल्द हमारा फेज़ 2 लॉन्च करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम डे बाय डे और बेहतर करके आपको सर्व करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ आइए विजिट करिए हमारा प्रोजेक्ट, आई एम श्योर यू विल लव इट। एंड नाउ लेट्स हियर इट फ्रॉम द मैन बिहाइंड द आइडिया एंड द विजन मिस्टर बलदेव खेमानी, मैनेजिंग डायरेक्टर साहिब डेवलपर्स। नमस्ते, मैं बलदेव खेमानी, मैनेजिंग डायरेक्टर साहिब डेवलपर्स भोपाल। साथियों, ये साहिब डेवलपर्स का फाउंडेशन हमने सन 2016 के अंदर किया था जिसका मकसद ये था कि भोपाल में 103 डुप्लेक्सेस का एक प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आना जिसमें हम हमारे 103 बायर्स की वजह से सेटिस्फाई हैं, वो हमसे बहुत संतुष्ट हैं और वही हमारी बैकबोन है, कह सकते हैं अपन ऐसा। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम लोग जो है सेकंड फेसेस पे काम कर रहे हैं जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं, डुप्लेक्सेस लेके आ रहे हैं, हाई राइज लेके आ रहे हैं और मल्टी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स का भी प्रोजेक्ट हम लोग आने वाले समय में करेंगे। इसके साथ ही साथ मेरा विजन है साहिब डेवलपर्स का कम से कम एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आना है जो करीब 500 एकड़ का होगा जिसमें एक तरह से हम छोटा शहर बसाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हमारा जो फोकस रहा
कि बायर को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिसमें हम कामयाब रहे, हमने बहुत रीजनेबल रेट्स पे चीज़ें दी, आज वो चीज़ें उनकी काफ़ी बढ़ी, हमारे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई है, हमने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किया है, जो भी आज हमारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत सेटिस्फाई हैं, यही हमारी जीत है। हमारा ये जो रिश्ता रहता है बायर और सेलर की तरह नहीं रहता, बिल्डर और क्लाइंट की तरह नहीं है, हमारा रिश्ता फैमिली की तरह है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी बायर्स हों वो एज अ फैमिली रहें, और आने वाले टाइम में जो हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे उसमें एज अ फैमिली की तरह काम करेंगे, और ये चाहेंगे कि उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो संतुष्ट हैं, वो हमें ये कहें कि हाँ इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है और हमें भी ऐसा लगे ये हमारी फैमिली की तरह है, हम इनके लिए कुछ कर पाएँ। साहिब डेवलपर्स ने आज तक जो भी अपने कमिटमेंट्स किए हैं वो टाइमली पूरे किए हैं, चाहे वो पोजीशन की बात हो चाहे वो क्वालिटी की बात हो। हमारा बस आने वाले समय भी ये फोकस रहेगा कि जो भी हम कमिटमेंट आपसे करें उसको करने के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे इन चीज़ों के लिए। थैंक यू। तो हम आपके सपनों के घर की खोज खत्म करते हैं, आइए पृथ्वी कोटियार और स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करें।